ओम पवित्रो पवित्रो ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नयाशुवा ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि अचितेयं तन्मयराधितां इदं अहम् अमृतात् सत्यं उपैमि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विदुषावहै ओम शान्तिः शान्तिः शान्तियो। बस इसे डाल दी, तीनों को डाली। अपने पितरों की शांति के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करिए, मन में जो आपके भाव हो उस तरह के भाव को आप उन्हें दीजिए। प्रसाद कश्यप गोत्रे जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते लखनऊ नगरे बुधवासरे पंचदश तिलांजलि ते समर्पयामि। लास्ट तीलम जलम मया दीयते तस्मै ते श्री बच्चालाल प्रसाद कश्यप गोत्रे जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते लखनऊ नगरे बुधवासरे षोडश तिलांजलि ते समर्पयामि। हाथ जोड़िए, हाथ प्रक्षालन करिए, हाथ धुलिए, एक बार फिर से अपने पितर को आवाहन करिए कि हे पितर देवता, बोलिए हे पितर देवता, मैं आपके भाव में कोई कमी नहीं रखना चाहता, फिर भी मनुष्य के स्वभाव बस अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अपना समझ के माफ करिएगा। हृदय से हम आपके कृपा से फल फूल रहे हैं, नित्य बढ़ रहे हैं, ये सब आपकी कृपा है, आपका संस्कार है। हे पितर देवता, मैं पुनः आपको आपके शांति के लिए सदैव सदैव प्रयासरत रहता हूँ। ओ ओ ओ ओम शनो देवी रभिष्ठे आपो भवन्तु पीते शनो रमिश्रमन्तु नः ओम वाक वाक ओम प्राणः प्राणः ओम चक्षु चक्षु ओम श्रोतम श्रोतम ओम नाभि ओम हृदये ओम कंठः ओम शिरः ओम बाहुभ्याम यशो बलम ओम करतल करपृष्ठे ओम भू पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयो ओम श्वः पुनातु कंठे ओम मह पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु पादयो ओम सत्यम पुनात पुनः शिरसि ओम खं ब्रं पुनात सर्वत्र ओम ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। चलिए एक एक पितर को प्रणाम करिए, एक एक अलग से अलग से। ठीक है, अब आपको जब भोजन बन जाएगा तो ये पितर हैं और इनका प्रतीक है। देखिए हमारा भारतीय संस्कृति में ये कल्चर है कि हम दूसरे को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, यानी कि हम दूसरे को, तो जब हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमारा खुद रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, तो एक गौ को, एक गाय का, एक कौवे का, एक कुत्ते का। ठीक है, ये और इसके अलावा इनको थोड़ा थोड़ा निकाल करके इनके सामने रख के आप कोशिश करिएगा गाय को खिला दें, कुत्ते को खिला दें, कौवे को खिला दें, इसके बाद वो निकालने के बाद आप भोजन करें। चलिए ओम शांति ही शांति ही शांति ओ। भगवान आपको सुखी रखे, ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन धान्य से आप लोग परिपूर्ण हैं और
ये जो आपका श्रद्धा है, ये श्रद्धा आपके पितर, देखिए जब हम शरीर को छोड़ देते हैं तो आत्मा का रूप जो है एक बहुत विकराल हो जाता है, आत्मा हमारी एक दैव रूप में हो जाती है, वो एक एक चीज को वाच करती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज को नहीं करते हैं, अपने जो है स्वार्थ बस और अहंकार बस इसे भूल बैठे हैं, लेकिन हमारे पितरों की नजर रहती है। आप जैसे आप बच्चे से अपेक्षा करते हैं ना कि बच्चा आपका अच्छा से रहे, उसी तरह से पितर भी आपसे अपेक्षा करता है कि मेरा बेटा, मेरे जो है अनुयायी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है और ये पितृपक्ष बहुत ही पावन दिवस होता है।